नमस्कार। परख की आज के अंक में हम एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो दलित साहित्य से संबंधित है। इस पुस्तक का शीर्षक है राइटिंग रेजिस्टेंस द रेटोरिकल इमेजिनेशन ऑफ हिंदी दलित लिटरेचर। इस पुस्तक की लेखिका हैं लॉरा आर ब्रूएक। यह किताब प्राइमस से प्रकाशित हुई थी 2017 में। कुछ दिनों पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में भाग लेने गया था और वहाँ पर एक सेशन के दौरान साहित्य की चर्चा हुई। साहित्य में प्रेमचंद की लिखी कहानियों की बातचीत हुई, कुछ कविताओं की बात हुई जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी, और इस बात पर एक उदासी का माहौल, आलोचना का माहौल था कि अब हिंदी साहित्य में वो बात नहीं रही। अब ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी जाती जो आम जनता पढ़ सके, अब ऐसी कविताएँ नहीं लिखी जाती जो आम लोगों के मुँह पर, उनके जबान पर चढ़ सकें। और इस लिहाज से ये जो लॉरा आर ब्रूएक की पुस्तक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह इस सवाल से जूझती है कि जिसे दलित लेखन हिंदी साहित्य में कहा जाता है उसकी कोई प्रासंगिकता, उसका कोई सौंदर्य बोध है क्या? क्या सचमुच उसे एक ऐसे साहित्य का दर्जा दिया जा सकता है जो समाज के सभी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता हो, या वह एक ऐसी लोकप्रिय धारा के रूप में स्थापित हो रहा हो जहां से मुक्तिकामी राजनीति या बेहतर जीवन के संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके। लॉरा आर ब्रूएक अपनी इस पुस्तक में इन्हीं सारे सवालों से जूझती हैं और वह काउंटर पब्लिक इस रूप में एक अवधारणा प्रस्तुत करती हैं और उसी अवधारणा के आधार पर वह दलित राजनीति का विश्लेषण करने का प्रयास करती हैं। काउंटर पब्लिक कि जो पूरी अवधारणा है, जिसको कि हम कह सकते हैं एक प्रतिलोकवृत्त, यानी कि जो एक लोकवृत्त या पब्लिक स्फीयर होता है उसकी उससे अलग हटकर कोई चीज़ जो अस्तित्व में है, इसके बारे में विस्तार से मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो ये पुस्तक है वह उसकी पूरी संरचना क्या है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 7 अध्याय हैं और इसके अलावा एक प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन है और एक कंक्लूजन है। पुस्तक 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में 3 अध्याय हैं जिसमें दलित साहित्य के इतिहास के बारे में, दलित साहित्य के साथ जो काउंटर पब्लिक की जो पूरी अवधारणा जुड़ी है उस अवधारणा के बारे में और वह उस अवधारणा ने किस प्रकार से काम किया उसके बारे में विश्लेषण है। दलित आलोचना की बात की गई है और दूसरे भाग में जो दलित साहित्य है उसके सौंदर्य बोध या उसके सौंदर्य शास्त्र की पड़ताल करने की कोशिश की गई है, यानी कि दलित साहित्य का उद्देश्य क्या है, वह किस तरीके के प्रश्नों पर विचार करता है, उसके द्वारा जिस लिहाज से कई प्रश्नों पर विचार किया जाता है वह अन्य लेखकों के द्वारा उन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के तरीकों से कैसे अलग है। तो इन सारे पहलुओं पर हम आगे विचार करेंगे। एक चीज जो हमें बहुत ही स्पष्टता से समझने की जरूरत है वह यह है कि हिंदी में दलित साहित्य का उभार हम कह सकते हैं कि मराठी या फिर तमिल दलित साहित्य के बाद में हुआ। हम यह कह सकते हैं कि ये 1980 के दशक के आरंभ में एक तरह के एक परिघटना है। 1980 का दशक के आखिर आते आते तक यह कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट रूप से भरकर सामने आने लगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास ने मिश्रा है और उसके बाद कई लेखकों की एक लंबी श्रृंखला ने दलित साहित्य को सिंचित किया। इसमें विशेष रूप से हम हंस पत्रिका और उसके यशस्वी संपादक राजेंद्र यादव का नाम ले सकते हैं जिन्होंने हंस में दलित लेखकों को स्थान दिया, उन्हें कहानियाँ लिखने का मौका दिया, उनकी कहानियों को प्रकाशित किया, लंबे लंबे संपादकीय लिखे और उन संपादकीय के माध्यम से दलित साहित्य की वैधता को स्थापित करने की कोशिश की। दलित साहित्यकार अब यह प्रयास करते हैं कि उनकी जो पूरी साहित्यिक यात्रा है उसका विस्तार वो पीछे और अतीत में ले जाएं। निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी लेखनी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन ये इसको और पीछे ले जाते हैं और कबीर और संत रविदास के जो लेखन हैं उसको भी दलित साहित्य का भाग मानते हैं। लॉरा आर ब्रूएक अपनी पुस्तक में, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, एक अवधारणा का प्रयोग करती है काउंटर पब्लिक, और ये जो काउंटर पब्लिक की पूरी अवधारणा है उनका यह मानना है कि इसके माध्यम से दलित लेखन
को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लॉरा आर ब्रूक सिर्फ दलित कहानियों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। उनका यह दावा है कि उन्होंने जो शोध किया है, जो अनुसंधान किया है, उसमें दलित साहित्यिक संगठन, कई पत्र पत्रिकाओं में जो दलित मुद्दों से संबंधित लेख प्रकाशित हुए हैं वे, और कहानियों और अन्य विधाओं में जो लेखन हुआ है उसका उन्होंने विश्लेषण करने की कोशिश की है। और वो ये कहती है कि अगर हम काउंटर पब्लिक की अवधारणा का इस्तेमाल करें तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस लिहाज से दलित लेखक, दलित संगठन अपना काम करते रहे हैं। विशेष रूप से नैन्सी फ्रेजर ने काउंटर पब्लिक की अवधारणा पर विस्तार से लिखा है और उन्होंने बताया है कि असल में हम काउंटर पब्लिक को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं जहां पर हाशिए के समूह या जिन्हें अधीनस्थ समूह सबॉर्डिनेट क्लास माना जाता है, वो लोग अपनी एक विरोधी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो मुख्य धारा का डिस्कोर्स चल रहा होता है उससे अलग वो अपनी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, मुख्य धारा को चुनौती देते हैं और अपनी बातों को सामने रखने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में लॉरा आर ब्रूक जो दलित संगठन है, लेखन संगठन, उनकी कार्य प्रणाली पर नजर डालती है और वह 2004 में उत्पन्न हुए उस विवाद का जिक्र करती है जहां पर प्रेमचंद की पुस्तक रंगभूमि का इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि उसमें चमार शब्द यानी कि एक जाति, दलित जाति के शब्द का प्रयोग हुआ था। इस पूरे विवाद में भारतीय दलित साहित्य संगठन ने 12वीं कक्षा में प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास को शामिल करने का विरोध किया। उसने यह कहा कि इसमें जो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया है उससे दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इसके साथ ही जो दलित हैं उनकी खराब छवि अन्य पाठकों के बीच में जाएगी, इसलिए या तो इस पुस्तक को हटा दिया जाए या फिर इससे चमार शब्द को वापस ले लिया जाए। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उन्होंने रंगभूमि की प्रतियां जलाई सार्वजनिक रूप से। बाद में इस पूरी घटना के 1.5 साल बाद जो एनसीईआरटी है उसने फैसला किया कि जो प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि है उससे चमार शब्द को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह कम समस्याग्रस्त माने जाने वाले शब्द दलित को रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और हुई और वह घटना यह थी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी एक कहानी एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल थी और उस कहानी में भी चमार शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एनसीईआरटी ने यह फैसला नहीं किया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी से भी शब्द को हटाया जाएगा। लॉरा आर ब्रूक यह रेखांकित करती है कि असल में खुद राज्य ने इस बात को स्वीकार किया कि दलितों की जो प्रामाणिक आवाज है वो कहाँ से आ सकती है। तो अगर एक गैर दलित दलित इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि चमार है या कोई और जाति सूचक शब्द है तो वह समस्याग्रस्त है, लेकिन शायद राज्य ने खुद यह स्वीकार किया कि एक दलित लेखक जब ऐसा करता है तो वह चीज समस्याग्रस्त नहीं है। इस लिहाज से जो जिस बात पर लॉरा आर ब्रूक जोर देती है वह यह है कि दलित साहित्य संगठनों ने, दलित साहित्यकारों ने जो प्रामाणिकता का सवाल है, ऑथेंटिसिटी का सवाल है, या जिसे एक सहानुभूति और स्वानुभूति की विवाद के रूप में देखा गया, और दलित लेखकों ने यह कहा कि जो दूसरे गैर दलित लेखक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति रख सकते हैं पर उनकी स्वानुभूति नहीं है, उस पूरे विवाद के संदर्भ में लॉरा आर ब्रूक इस बात पर जोर देती हैं कि असल में ये पूरी परिघटना जो दलित साहित्य का दायरा था वहां पर एक विमर्शी, विपक्षी विमर्श के रूप में सामने आया, यानी कि एक ऐसा विमर्श जिसमें कि जो मुख्य धारा थी जिसने कभी भी दलित साहित्य को या दलितों की चिंताओं पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया, उससे अलग हटकर एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश दलित लेखकों और साहित्यकारों ने की। लॉरा आर ब्रूक ने अपनी इस पुस्तक में यह प्रयास किया है कि वह दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को ज़्यादा स्पष्टता से भरकर सामने ला सके। हालांकि वह यह भी स्वीकार करती हैं कि अभी यह बनने की प्रक्रिया में है और शायद कुछ और समय के बाद ज़्यादा स्पष्टता से सामने आ पाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ लघु कहानियों का विश्लेषण किया है, कुछ बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों की लघु कहानियों का, और उसके माध्यम से दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को सामने लाने का प्रयास किया है। मिसाल के तौर पर वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 और जयप्रकाश कर्दम की कहानी लाठी का विश्लेषण करती हैं और वह यह बताती है कि इन कहानियों के माध्यम से लेखकों ने यह प्रयास किया है कि जो दलितों के जीवन की स्थिति है उसके बारे में समाज के सभी लोग जागरूक हों और दलित खुद जागरूक हों। और जो मुख्य अंतर
ब्रूक इस बात को रेखांकित करती है कि जो मुख्य अंतर गैर दलित लेखक और दलित लेखक के बीच में उभर कर सामने आता है वह यह है कि जहां गैर दलित लेखकों के पात्र जो दलित पात्र होते हैं उनके प्रति पाठक के मन में एक सहानुभूति जगती है, वहीं दलित लेखकों के पात्रों के बीच एक तरह की परिवर्तनकारी क्षमता भी उभर कर सामने आती है। उनके जो दलित चरित्र होते हैं वह समाज को परिवर्तित करने की आग से भरे होते हैं। और इस संदर्भ में लॉरा ब्रूक कहती है कि इस पूरे जो दलित साहित्य का लेखन है उसमें हम मेलोड्रामेटिक रियलिज्म को देख सकते हैं। मेलोड्रामा जो होता है वह किसी भी चीज़ को नाटकीय ढंग से प्रदर्शित करने पर जोर देता है। और लॉरा ब्रूक का मानना है कि भले ही दलित साहित्यकार ये दावा करें कि सब कुछ उनकी एक अनुभूति का हिस्सा है, पर निश्चित रूप से उनके लेखन में भी एक मेलोड्रामा, एक नाटकीयता है, लेकिन उसके साथ ही उसमें रियलिज्म भी है, यानी कि दोनों का मिश्रण है। और इन दोनों के मिश्रण से, यानी कि यथार्थवाद और नाटकीयता दोनों के मिश्रण से, वह पाठकों के मन को झकझोरने की कोशिश करते हैं और दलित पाठकों, दलित जो चरित्र हैं उनके माध्यम से वह प्रयास करते हैं कि एक सामाजिक परिवर्तन की पूरी संभावना बने। ब्रूक ये बताती हैं कि जो दलित लेखक हैं जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरज पाल चौहान, अजय नौरिया, सुशीला थाक भावरे, इन लेखकों की कहानियों के भीतर जो चरित्र होते हैं उनके द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उस भाषा के माध्यम से भी जो अलग अलग पात्र होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। और ये जो पात्र होते हैं, चाहे वह दलित पात्र हो या चाहे गैर दलित पात्र हो, वह देशज भाषा या जिसे किसी क्षेत्र की बोली कहा जाता है या एक क्षेत्र की भाषा जो होती है उसकी कुछ अंशों से लेकर वो मिली जुली हिंदी होती है। और उसके अलावे वो कोई खड़ी हिंदी बोल सकते हैं और कई बार वो अंग्रेजी के शब्दावली से गढ़ी हुई भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, ब्रूक का यह मानना है कि ये सारी भाषाएं जो है वो एक तरीका है इन लेखकों के द्वारा यह दिखाने का कि जो दलित समुदाय हैं उनके भीतर भी अलग अलग तरह से लोग हैं और वो लोग किस प्रकार से अपनी भावनाओं को अव्यक्त करते हैं। इस लिहाज से बिल्कुल खुले रूप में अगर वो दलितों के बीच में एक तरह की असमानता को ना भी दिखाएं तो भाषागत स्तर पर यह दिखाने में सफल होते हैं कि कैसे ज़्यादा बेहतर शिक्षा पाए हुए लोग या कम शिक्षित लोग या देशज वातावरण से जुड़े लोग अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं और उनकी बातों की अभिव्यक्ति में, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति में किस प्रकार का अंतर होता है। निश्चित रूप से लॉरा आर ब्रूक की यह पुस्तक दलित साहित्य को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, लेकिन पुस्तक की कुछ निश्चित सीमाएं हैं जिसके बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब वो दलित काउंटर पब्लिक की अवधारणा प्रस्तुत करती हैं तो ऐसा लगता है कि वह कोई होमोजेनस स्पेस है जहाँ पर सारी की सारी जो लेखक हैं, जो विचारक हैं, वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं और उन सभी विचारकों में एक तरह की दलित आइडेंटिटी पर जोर है। लेकिन जानते हैं कि दलित लेखकों के बीच में भी दक्षिणपंथी खेमे की मजबूती बढ़ी है। अब वो मजबूती क्यों बढ़ी है और वो उस तरीके के जो दलित लेखक हैं जो अपने आप को दक्षिणपंथ से या और खुले रूप में कहें तो भाजपा आरएसएस की राजनीति से जुड़ा हुआ मानते हैं, वो कैसे अपने विचारों को रखते हैं, उनके तर्क क्या होते हैं और उनके तर्कों का ऐसे दलित लेखकों के तर्कों के साथ कैसे आमना सामना होता है जो इनके विरोध में है, इस तरह के कई ऐसे पहलू हैं जिन पर और ज़्यादा गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन ब्रूक इस पहलू की बिल्कुल ही चर्चा नहीं करती हैं और ऐसा लगता है जैसे दलित काउंटर पब्लिक एक समरूपी स्थान है जहां पर सारे लेखक एक खास तरह की आवाज़ में बात कर रहे हैं। अगर भिन्नता है भी तो इतनी बड़ी भिन्नता नहीं है कि उन्हें बिल्कुल ही अलग माना जा सके, एक कुछ मोटी बातें हैं जिन पर सब में सहमति है। तो असहमति के बिंदु को और ज़्यादा स्पष्टता से लाने की आवश्यकता है जो इस पुस्तक में नहीं हो पाई है। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि लॉरा आर ब्रूक इस बात पर जोर देती हैं कि जो दलित लेखन है उसके भीतर कई तरीके की प्रश्नों पर विचार हुआ है और वो कहानियों के माध्यम से इस चीज़ को दिखाती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से वैश्वीकरण के मुद्दे पर या फिर जो समकालीन जीवन है दलितों का उसके आधार पर वह ये दिखाने में असमर्थ रहती हैं कि लेखकों ने इन मुद्दों को किस तरीके से छुआ है, किस तरीके से टटोला है, उन्होंने इस पर किस तरीके के विचार रखे हैं।
तीसरे स्तर पर जो कि किताब की एक बहुत बड़ी सीमा के रूप में आती है। यद्यपि लेखिका ये दावा करती हैं कि उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं और जो दलित साहित्यिक संगठन हैं उनके वाद विवाद को समेटा है, लेकिन असल में अगर हम बहुत नज़दीक जाकर देखें तो पूरी किताब में जो एक दलित दो दलित साहित्यिक संगठनों की बात है, लेकिन मुख्य रूप से वो कुछ कहानियों का विश्लेषण करती हैं और जो अन्य सारी पत्र पत्रिकाओं में लेखन प्रकाशित हुए थे उनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान नहीं दे पाती हैं। मसलन हंस के संपादकीय में किस तरीके के तर्क आए इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। मसलन इस बात की पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि कहानियों के अलावा कविताओं के रूप में, नाटकों के रूप में, उपन्यास के रूप में किस तरीके से की बातें सामने आई, किस तरीके का सौंदर्य शास्त्र सामने आया और उसने किस तरीके से मुख्यधारा के साहित्यिक लेखन को प्रश्नांकित किया, लेकिन ये सारे पहलू इस किताब में अनुपस्थित हैं। और जो एक खास बात हमें इस किताब के बारे में याद रखने की ज़रूरत है वह यह है कि ये अंग्रेजी के दायरे में हिंदी साहित्य में हुए विकास के बारे में बताती है और इस लिहाज से यह किताब अंग्रेजी पाठकों के लिए उपयोगी है, लेकिन जो समाज विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आम तौर पर अगर आप हिंदी में भी दलित साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर इस तरीके के वाद विवाद पर या इस तरीके के प्रश्नों पर एक तरीके की जिरह या एक तरह की बहस देखने को नहीं मिलती है, वह साहित्य के भीतर की बहस के रूप में सिमट कर रह जाती है। लेकिन लॉरा आर ब्रूएक ने समाज शास्त्र से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएँ हैं, उनका इस्तेमाल करके दलित साहित्य और उसमें होने विविध परिवर्तनों, उसमें उभर कर सामने आने वाले सौंदर्य बोध को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इस लिहाज से यह पुस्तक अनूठी है और इसे साहित्य में रुचि रखने वाले, राजनीति में रुचि रखने वाले, समाज परिवर्तन में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए। परख के आज के अंक में मैं यही विराम लूंगा, अगले अंक में एक बार फिर से मिलेंगे और एक नई पुस्तक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।